सबसे पहले घोटाला तो उन्हीं लोगों ने किया है, बीजेपी के लोगों ने। हमारे यहाँ की सरकार ने तो किसान, हर गरीब मजदूर किसान वर्ग के लिए जो धान का इतना बोनस दे रहे हैं, अभी 2800 रुपये कर दिए, हो सकता है 3600 रुपये भी कर देंगे, है ना, किसान के लिए अलग अलग से जो धान की बोनस अधिक संख्या में दे रहे हैं, अधिक रुपये में। उसके बाद गोधन न्याय योजना है, महिलाओं के लिए है, तरह तरह की जो महिलाएं आज समूह बना बना करके काम कर रही है। क्योंकि अधिवेशन हुआ हमारे यहाँ, तो श्रीमती प्रियंका गांधी जी बोली थी कि महिलाओं को 50% का हक अधिकार मिलना चाहिए, ऐसे करके महिलाओं युवाओं को। तो अभी कम से कम अभी जो महिला लागू होने जा रहा है, तो हम पार्टी चाह रही है कि कम से कम अभी से ही हम जब आरक्षण देगी तब बात की बात है, लेकिन हम अभी से 33% महिला को आरक्षण दें। कुछ नाम बचे हैं, क्या लगता है जो अभी लिस्ट में नाम बचे, क्या उसमें युवा वर्ग को, जिस तरीके से राहुल गांधी ने कहा था कि युवाओं को इस बार मौका दिया जाएगा? जी बिल्कुल, मैं सबसे पहले आप सबको नमस्कार करती हूँ। हाँ। और जिस तरह से अभी हमारे छत्तीसगढ़ से 90 विधानसभा का सीट है, जिसमें से 30 का आया है। हाँ। जो कि बहुत अच्छे लोगों का सिलेक्शन हुआ, हम उनको कांग्रेस पार्टी की जीत के लिए हार्दिक बधाई शुभकामनाएं देते हैं कि पार्टी ने उनको चुनाव लड़ने का मौका दिया। और अभी 60 सीट बाकी है, हमें पूरी उम्मीद है कि वहाँ पे जाति को भी देखा जाएगा, समाज को भी देखा जाएगा, युवा चेहरा को भी देखा जाएगा, और पढ़े लिखे लोगों को भी यहाँ पे ध्यान में रखते हुए ये निर्णय लिया जाएगा। जो 60 सीट बची हुई, शायद मुझे लगता है इसीलिए 60 सीट को रोक करके रखा गया है कि उनका सारा सिलेक्शन हुआ है, सर्वे रिपोर्ट हुआ है, सर्वे रिपोर्ट के आधार पर, जाति जनसंख्या के आधार पर, पढ़े लिखे लोगों के आधार पर, और जो युवा चेहरा है, उन सभी चीज़ों को देखते हुए। क्योंकि हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी ने पहले ही बोल चुके हैं कि महिला को कम से कम 33% आरक्षण तो मिलना चाहिए। वैसे भी अधिवेशन हुआ हमारे यहाँ, तो श्रीमती प्रियंका गांधी जी बोली थी कि महिलाओं को 50% का हक अधिकार मिलना चाहिए, ऐसे करके महिलाओं युवाओं को। तो अभी कम से कम अभी जो महिला आरक्षण बिल लागू होने जा रहा है, तो हम पार्टी चाह रही है कि कम से कम अभी से ही हम जब आरक्षण देगी तब बात की बात है, लेकिन हम अभी से 33% महिला को आरक्षण दे। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार और भाजपा लगातार दावे कर रही है कि कांग्रेस ने ये घोटाला किया, हम आएंगे तो घोटाले खत्म कर देंगे। देखिए, सबसे पहले घोटाला तो उन्हीं लोगों ने किया है, बीजेपी के लोगों ने। हमारे यहाँ की सरकार ने तो किसान, हर गरीब मजदूर किसान वर्ग के लिए जो धान का इतना बोनस दे रहे हैं, अभी 2800 रुपये कर दिए, हो सकता है 3600 रुपये भी कर देंगे, है ना, किसान के लिए अलग अलग से जो धान की बोनस अधिक संख्या में दे रहे हैं, अधिक रुपये में। उसके बाद गोधन न्याय योजना है, महिलाओं के लिए है, तरह तरह की जो महिलाएं आज समूह बना बना करके काम कर रही है, बिजली बिल हाफ कर रहे हैं, घर हर गरीब को मकान दे रहे हैं आवास के तहत, तो इस तरह से जो है, और किसानों का कर्ज माफ हो रहा है, तो ये सब काम कौन कर रही है? गरीबों की सरकार, किसानों की सरकार तो हमारे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है। कांग्रेस हमेशा ही जो शुरू से ही एक जमीन स्तर पे लेवल से एक गरीब मजदूर किसान के हक की लड़ाई करते आ रहे हैं, और महिलाओं के लिए अगर लड़ रहे हैं तो केवल आप देख लीजिए, हमारे कांग्रेस नेता लोग अधिकतर लड़ रहे हैं, और हमारे खासकर अभी देख रहे हैं कि हमारे जो नेता श्री राहुल गांधी जी है, वो तो स्पष्ट कह चुके हैं कि महिलाओं को कम से कम 30 सीट तो मिलना चाहिए 33% आरक्षण के अनुसार, और उसके बाद ओबीसी के लिए भी लगातार लड़ रहे हैं। कांग्रेस की भी लिस्ट आ चुकी है, बीजेपी की पहले आ गई थी, तो क्या लग रहा है, क्या जिस तरीके से राहुल गांधी ने कहा था कि युवाओं को मौका देना चाहिए, महिलाओं को इतना आरक्षण, क्या लग रहा है जो बीजेपी की लिस्ट आई उसमें कुछ इस तरीके का देखने को मिला? बिल्कुल नहीं, उसमें तो पूरे जो पूर्व सांसद थे और विधायक मंत्री थे, सब उन्हीं को चेहरा लिया गया, लेकिन मुझे उम्मीद है अपने पार्टी से, क्योंकि हमारे यहाँ 30 सीट का क्लियरेशन हो चुका है, कल ही लिस्ट आई है, लेकिन अभी हमारे यहाँ 60 विधानसभा का सीट बची हुई। शायद मुझे लगता है, उम्मीद है कि जाति को देखते हुए, एजुकेशन को देखते हुए, या तो फिर युवा चेहरा को देखते हुए, निश्चित ही रूप से, और महिलाओं को देखते हुए, महिलाओं को अधिक से अधिक संख्या में उनको मुद्दे नज़र देखते हुए, उनको भाजपा की रैलियाँ हुई छत्तीसगढ़ में, मोदी जी हो या फिर और भी कई नेता, उन्होंने ये कहा है कि कांग्रेस ने जो काम नहीं किए अब तक छत्तीसगढ़ में, हम आएंगे तो वो काम करेंगे। अब जब था, तब 15 साल जब था तो बीजेपी की सरकार थी, तब तो कुछ नहीं किया, तो आप क्या उम्मीद कर रहे हैं कि अब आएंगे तब करेंगे? अब बोलने से कुछ नहीं होता। अभी जो जब आप उसमें थे, जब मुख्यमंत्री जी थे, आप बीजेपी से 15 साल आपकी जो शासन थी, जब उसमें नहीं कर पाए, तो अब आओगे तो कौन जानता है कि आओगे कि क्या करोगे क्या नहीं करोगे, कि आप वोट के लिए राजनीति कर रहे हो, ये है ना। अभी वर्तमान में हमारे यहाँ तो करके दिखाया ना, हमारे मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी ने किसानों को कर्ज माफ किया, किसानों को अधिक संख्या में बोनस दिया, हर तीन चार किस्तों में, हर गरीब के लिए गोधन न्याय योजना, क्या क्या नहीं किया है। आज बिजली बिल हाफ कर दिया, आज तक कोई किसी ने बिजली बिल हाफ किए थे?
और हो सकता है, मैं तो ये भी बोलती हूँ आने वाला समय हमारी सरकार जहाँ जहाँ बनते जा रही है 500 रुपये सिलेंडर कर रहे, जो रसोई गैस जो 1200 तक पहुँच गया था ये बीजेपी के शासनकाल में हुआ था, शायद मेरे को लगता है अब छत्तीसगढ़ में भी सरकार बनने से ये 500 रुपये भी सिलेंडर हो जाएगा। तो क्या लग रहा है, क्या छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार दोबारा दोहराएगी जनता? बिल्कुल दोहराएगी, जिस तरह से काम करें हमारे छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, उस हिसाब से जो किसान जो है उनको पसंद कर रहे हैं, गरीब में पसंद कर रहे हैं, मजदूर पसंद कर रहे हैं, सभी लोगों के हित में तो काम कर रहे हैं। ऊपर से हर किसी व्यक्ति को जो सरकारी नौकरी में उनको भी किसी न किसी तरह से जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री उनका बेनिफिट मिल रहा है, और नहीं तो बिजली बिल हाफ हो रहा है। मोदी जी कह रहे हैं पांचों राज्यों में हमारी सरकार बन रही है, मोदी जी तो कुछ भी कहेंगे, बोलने से थोड़ी ना होता है। एक्चुअल जब ग्राउंड रिपोर्ट में जाया जाए तब लोग इसका कितना विरोध करें, बीजेपी पार्टी का ट्रेन बेस रेलवे एयरपोर्ट बेच दिए, तेल बेच दिए, रेल बेच दिए, सारी चीजें जितनी भी आज देख लो, अगर बोले जितनी भी काम हुई है, बड़ा बड़ा बिल्डिंग बना है, बड़ा बड़ा मेडिकल कॉलेज एयरपोर्ट रेलवे जो बना है किसकी बनाई हुई है, हमारे कांग्रेस पार्टी के दिन है दिया हुआ चीज है। आज बताइए कि कहाँ पे बीजेपी ने क्या किया, बीजेपी ने तो जो हमारे सरकार ने 70 साल बोलते हैं बनाने का काम किया, आज मोदी जी ने तो उसको बेचने का काम किया है। क्या ही क्या है वो तो बोलेंगे, उनको नहीं दिख रहा है जो इतना जो बड़ा बड़ा IIT है, हॉस्पिटल है, और एयरपोर्ट है, रेलवे स्टेशन है, ये तेल की बड़ी बड़ी फैक्ट्री है, ये सब कुछ नहीं दिख रहा है उनको, तो केवल सब चीज बेच करके और अडानी के जेब में डालने वाला ही चीज है। बीजेपी ने महिलाओं को धुएं से निजात दिलाई है, ये सब वो तो महिलाओं नाम से बड़ा बड़ा बातें करते, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो बेटियों का हम संरक्षण कर रहे हैं, लाडली बहना योजना, ये योजना जो भी आप देख रहे हैं मणिपुर में कितनी बड़ी हिंसा हुई है महिलाओं को लेकर, लेकिन मोदी ने चुप्पी साध ली ना। आप तो पूरा इंडिया देखे हैं कि किस तरह से मोदी की सरकार, मोदी की शासनकाल में महिलाओं बहन बेटियों को किस तरह से निर्वस्त करके घुमाया जा रहा है, उसमें कोई एक्शन भी नहीं ले रही है, तो ऐसे हम PM को रहने से बहुत धिक्कार है। दावा कर रहे हैं ना, कह रहे लोग परेशान हो चुके कांग्रेस सरकार से, लोग परेशान नहीं हुए, लोग 15 साल बीजेपी के शासनकाल से परेशान हो चुके थे, अब 5 साल में उनको इतना बड़ी उपलब्धि मिल गई केंद्र जो कांग्रेस पार्टी की सरकार से कि वो रिपीट कर अब दोबारा ही कांग्रेस पार्टी की सरकार लाना चाह रहे हैं। गलत कर रहे हैं कि हम रिपीट करेंगे, दावा तो कर रहे हैं ना। बिल्कुल उन लोग गलत है वो कर रहे हैं, आने वाला समय में वहाँ जनता, छत्तीसगढ़ की जनता जान चुकी है भरोसे की सरकार, भूपेश बघेल की सरकार का जिंदाबाद है, और निश्चित रूप से उन लोग ठान लिया है कि दोबारा हम सरकार बीजेपी की जो सरकार उसको उखाड़ फेंकेंगे और कांग्रेस की सरकार माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार लाएंगे। लेकिन अब क्या लग, जिस तरीके से टिकट आज 30 नाम आए हैं टिकट में, लोगों को क्या लग रहा है, जनता उनसे खुश होगी? बिल्कुल खुश है, अभी तो 30 सीट का क्लियर हुआ है, जो मेन जो थे मंत्री वगैरह थे उन लोग का जो मेन थे उनका 30 लिस्ट आया है, आने वाला भी समय में और आएगा, जो 60 सीट बाकी है उसमें हमें सभी प्रकार के युवा और जो है सभी चेहरे, महिला युवा सभी का चेहरे दिखाई देने लगेगा, उसमें सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए। महिला आरक्षण की बात की जा रही थी, क्या अब जो चुनाव हो रहे हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का कहीं का भी, क्या उसमें महिलाओं को आरक्षण उस तरीके से सारी पार्टियां देंगी? देखिए हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी तो पहले ही बोल चुके हैं, हमारी नेत्री श्रीमती प्रियंका गांधी जी बोल चुकी है कि महिलाओं को आरक्षण दिया जाए, उसी मुद्दे पे ही हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी अभी जब CEC की मीटिंग हुई तो उसमें बोले कि महिला को अधिक से अधिक टिकट दिया जाए, महिला को युवा को, तो निश्चित ही रूप से जो 60 सीट बची उसमें महिला और युवा चेहरा और जाति जनगणना सर्वे रिपोर्ट को देखते हुए तैयार किया जाएगा, हमें पूर्ण उम्मीद है, पूरा विश्वास हमारी पार्टी के ऊपर। ठीक है।